अनिल जी के बर्थडे के लिए उन्होंने 51 स्टॉक्स की लिस्ट बनाई थी, उसमें ये स्टॉक भी शामिल था। तो इंजीनियर्स इंडिया बढ़िया तेजी में आते हुए दिख रहा है, हमारा एसआईपी स्टॉक भी है ये। चलते हैं सुमित जी के पास, बिगुल सुमित के बताएं सुमित जी। दीपांशु बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 31.25 रुपया, 31.40 रुपया। स्टॉक का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड, जी हाँ, जिसका सिंबल है RVNL, RVNL, इसके अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक चार्ट के ऊपर बढ़िया दिख रहा है, स्टॉक रिसेंट के हाई ब्रेक कर चुका है, डेली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों अच्छे दिख रहे हैं। डेली चार्ट में तो मुझे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी दिख रहा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि RVNL अब यहाँ से 10-15% का अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। यहाँ पे CMP में बाय करें, 30 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, 29.90 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं और खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 33.25 रुपया पहला टारगेट होगा और 35 रुपया दूसरा टारगेट होगा। 33.25 रुपया और 35 रुपया, ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए RVNL को यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें, और स्टॉप लॉस भी यहाँ पे बढ़िया बैठ रहा है 29.90 का, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा RVNL में। दारी रेलवे स्टॉक्स ऑफकोर्स रीओपनिंग थीम में यहाँ पर भी आपको करना है फोकस, और RVNL लिस्ट में आ रहा है सुमित जी की तरफ से। टॉरेंट पावर विश्वेश जी जरा इसके चार्ट पर डाले नजर, 4% ऊपर है, अच्छा ब्रेकआउट आया अभी थोड़ी देर पहले, टॉरेंट पावर पर कोई ट्रेड दिखता है? देखिए दीपांशु, टॉरेंट पावर इन अमंग द पावर स्टॉक्स मेरी सबसे डेफिनेटली गुड प्लेस्ड है। 450 के कॉल ऑप्शन में दीपांशु 4 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, तो मुझे लग रहा है जैसे ही 450 निकलेगा कैश में, अभी 447 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 465 के तक लेवल तक देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी गिरावट आती है तो मेरे हिसाब से 440 के स्टॉप से लॉन्ग करना चाहिए। 465 का टारगेट मुझे लग रहा है 2-3 दिन में देखने मिल सकता है। 15% ऊपर है, JSW एनर्जी में हो रही है अच्छी खरीदारी, JSPL में भी आप बढ़िया एक्शन बनते हुए देख रहे हैं, तो पावर सेक्टर से जुड़े कुछ काउंटर्स में अच्छी तेजी का माहौल इस समय बन रहा है। इसके साथ ही आप अच्छा एक्शन एंडाइम वागले साहब लंबे समय बाद मोमेंटम में आए हैं, NTPC और जिस तरह से PSUs और स्पेशली पावर स्टॉक्स आज अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, क्या NTPC पर भी कोई ट्रेड है सर? वेट करूंगा, इतनी क्लैरिटी नहीं है, इतना मोमेंटम नहीं है, पॉजिटिव ट्रेंड तो है लेकिन अगर आप सिर्फ एक दिन की बात करो तो पोजिशनली मुझे लगता है 118-119 तक जाना चाहिए, बट ये 4-5-6 दिनों का व्यू होगा, मेरी इसमें 112-120 का की रेंज है। देखते हैं, थोड़ा स्लो मूवर है और इतनी जल्दी मोमेंटम में आता नहीं है, बट NTPC नजर रखिए क्योंकि पूरे पावर स्पेस में आज अच्छी तेजी है। अंशु, JSW एनर्जी छूट रहा था मेरे हाथ से और आपने दिलवा दिया, नजर उसमें डाल दिया मेरा, 141 के आसपास है, 137 के आसपास शायद आपने देखा था, मैंने 139 के आसपास देखा था। JSW एनर्जी को खरीद कर चलने का सलाह होगा, मिनिमम टारगेट होगा 147 से 150, ये हो सकता है आज ही का टारगेट हो, आज ही के आज आ सकता है, और उसके बाद 150 के बाद ये स्टॉक 165-170 तक भी जा सकता है, तो JSW एनर्जी को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 135 के नीचे स्ट्रिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा JSW एनर्जी। बताएं विश्वेश जी। देखिए दीपांशु, मेरी जो कोशिश रहती है वो रहती है कि स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स को पुल बैक पे खरीदा जाए, और हमारे सारे पैनलिस्ट के सारे अच्छे ट्रेड होते हैं उन्हीं लाइन पे। तो मैं सुबह अनिल जी को सुन रहा था पॉलीप्लेक्स पे, तो हमने पॉलीप्लेक्स पे दीपांशु 690 पे लेवल पे बाय दिया था, और अभी भी जो अनिल जी की मैंने कमेंट्री सुनी और जिस हिसाब से उन्होंने EPS का जो प्रोजेक्शन बताया, मुझे लगता है दैट इज फैंटास्टिक। तो सिमिलर लाइन पे एक स्टॉक मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया था और अभी मुझे लग रहा है वापस मोमेंटम दिख रहा है वहां पे। स्टॉक का नाम है गोदावरी पावर इस्पात, जो पावर सेक्टर से है, और मुझे ऐसा लग रहा है 5.5 के PE पे चल रहा है, 3400 करोड़ का मार्केट कैप है, डेफिनेटली मार्केट कैप को कैश फ्लो देखेंगे तो काफी चीप है, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस तो डेफिनेटली अच्छा है, शॉर्टर टर्म बेसिस पे 980 के आसपास खरीदे, 960 का स्टॉप लॉस रखे, 20 रुपए का स्टॉप लॉस, मुझे लगता है 1040 तक के टारगेट देखने मिलने चाहिए। एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लैग पैटर्न बना है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो हायर टाइम फ्रेम में बुलिश है, जहां पे मेरा 1200 का टारगेट स्मॉलर टाइम फ्रेम में जस्ट ब्रेकआउट आ रहा है, तो मुझे लगता है गोदावरी पावर पे 960 के स्टॉप लॉस से 1040 के टारगेट के लिए मोमेंटम बाय है।